नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को हमारी ओर से जय श्री कृष्णा। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग सुनते हैं। आज का प्रसंग है एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाया जाता। हरि प्रेमियों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन आते रहे, पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। हरि प्रेमियों, आइए जानते हैं क्यों नहीं खाया जाता एकादशी के दिन चावल। हरि प्रेमियों, एकादशी का हमारे सनातन धर्म में बहुत ही विशेष स्थान है। सनातन धर्म में यूं तो हर व्रत उपवास अपना अपना महत्व लेकर आया है, परंतु एकादशी तिथि भगवान श्री विष्णु जी को समर्पित होती है और यही कारण है इसलिए एकादशी को हरिवासर या हरि का दिन भी कहा जाता है। हर महीने की कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की दो एकादशी होती हैं और इस व्रत को करने से सब के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्रों में एकादशी व्रत को करने का बहुत विशेष नियम बताया गया है और कहा जाता है कि इन नियमों का पालन अगर सही से नहीं किया जाए तो एकादशी व्रत करने का कोई फल भी नहीं मिलता है। एकादशी के दिन बताया जाता है कि हमें तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, उसे परहेज रखना चाहिए और चावल भी नहीं खाना चाहिए। कहा जाता है कि चावल खाने से मन में अशुद्धता आती है। आइए जानते हैं एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाया जाता। हमारे शास्त्रों में चावल ना खाने की क्यों सलाह दी गई है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी का व्रत हमारी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण के खास उद्देश्य के लिए किया जाता है ताकि मन को निर्मल और बिल्कुल एकाग्रचित रखा जाए। एकादशी के दिन चावल खाना निषेध बताया गया है। बहुत से लोग इस बात को जानते हैं लेकिन इसके पीछे क्या नियम है इस बात से बिल्कुल अनजान है। आज हम एकादशी के दिन चावल ना खाने का धार्मिक कारण भी और वैज्ञानिक कारण भी आपको बताएंगे। एक पौराणिक कथा के अनुसार माँ शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने अपने शरीर को त्याग दिया था। इसके बाद उनके शरीर का अंश धरती माता के अंदर समा गया और मान्यता है कि जिस दिन महर्षि मेधा का शरीर धरती में समाया गया था उस दिन एकादशी थी और कहा भी जाता है कि महर्षि मेधा चावल और जौ के रूप में इस धरती पर जन्म लिया क्योंकि वहीं पर पौधे चावल का और जौ का पैदा हो गया था। इसलिए एकादशी के वाले दिन चावल को नहीं खाया जाता और मान्यता भी है कि एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेधा के मांस और खून के सेवन करने जैसा है। हमारे सनातन धर्म की मान्यताएं और परंपराएं किसी न किसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर भी आधारित होती हैं। यह है हमारे पूर्वजों का दिव्य ज्ञान का कमाल है जिसे यह परंपराएं आज भी बिल्कुल सटीक बैठती है। और वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार चावल में जल तत्वों की मात्रा सबसे अधिक होती है, वहीं जल पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक पड़ता है और चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है। चावल को खाने से शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में जल की मात्रा बढ़ जाती है और इससे हमारा मन विचलित और
बहुत चंचल होने लगता है और मन के चंचल होने के कारण व्रत के नियमों का पालन करने में रुकावटें आती हैं। यही वजह है कि एकादशी के दिन चावल और चावल से बनी हुई वस्तुओं को खाना वर्जित बताया गया है। हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि एकादशी पर हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस तिथि को यानी एकादशी के दिन प्याज, मांस, मछली, अंडा, लहसुन और जो भी तामसिक भोजन होते हैं वे कभी नहीं खाने चाहिए। इसे मन चंचल होता है और तामसिक होता है, ऐसे भोजन से हमें परहेज रखना चाहिए। इसके साथ ही ना सिर्फ व्रत रखने वाले को बल्कि घर के बाकी सदस्यों को भी झूठ बोलने और गलत काम करने से दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। और व्रत के दौरान मन में ना तो ईर्ष्या भाव होना चाहिए, ना द्वेष की भावना भी नहीं होनी चाहिए। अगर ईर्ष्या और द्वेष की भावना आती है तो हमारा व्रत खंडित हो जाता है और काम भाव और मदिरा के सेवन वाद विवाद से भी इस दिन व्रत के दिन दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। हरि प्रेमियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। हरि प्रेमियों, आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा और हमें हौसला मिलेगा ताकि हम आपके लिए और भी आगे अच्छी अच्छी जानकारियाँ ढूंढ कर ला सके। हरि प्रेमियों, जय श्री कृष्णा।